तो आप कह रहे हैं कि ऑयल जो है वो हमारी बॉडी का बेस है, और जैसे एक मशीन को और अच्छा प्रयोग में लाने के लिए और अच्छा यूज में लाने के लिए उसको ल्यूब्रिकेट करना बहुत जरूरी होता है, उसमें तेल डालना जरूरी होता है ताकि वो खराब ना हो और अच्छे से चले, उसी तरह से हमारी जो ये शरीर है, हमारा जो ये शरीर है, हमारी जो बॉडी है वो भी एक मशीन है, और जो तेल है, जो ऑयल है वो इसमें ल्यूब्रिकेशन का काम करती है और बॉडी को और अच्छा बनाती है ताकि हम और अच्छी एक्टिविटीज कर सके और अच्छे बेहतर तरीके से। लेकिन डॉक्टर रेणुका यहाँ पर मेरा सवाल ये है, लेकिन डॉक्टर रेणुका यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल के समय में, आजकल के टाइम में, जैसे कि हम जब बात करते हैं एक्सरसाइजेस की या जिम की या जिम ट्रेनर्स की, डाइटिशियंस की, तो बहुत सारे लोगों से जब भी हम बात करते हैं कि हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए क्या करें, तो वो अक्सर कहते हैं कि आप खाने में तेल कम कर दीजिए, और जब आप खाने में तेल कम करेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। तो फिर ये जो सवाल है ये क्यों आता है, और ऐसा क्यों कहते हैं कि आप अपने खाने में तेल कम कर दो और तेल जो है उसका इस्तेमाल मत करो, तो ऐसा क्यों कहते हैं? जो डाइटिशियन है वो जो तेल नहीं लेने की जो एडवाइस देते हैं पर्टिकुलर लोगों की प्रकृति के हिसाब से होना चाहिए। अगर उसका इंटेक में हर रोज का जो इंटेक होता है तो वो उसका परफेक्ट नहीं है, ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपका हर रोज का इंटेक सही है तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तो सुबह दोपहर शाम को हमें ऑयल बेस्ड का तो थोड़ा लेना चाहिए। अगर आप टोटली ऑयल का इंटेक बंद कर दोगी तो भी उसकी साइड इफेक्ट हमारे बॉडी में होगी ही। तो कितना परसेंट ऑयल जो है वो दिन भर में हमको एक इंसान को लेना ही लेना चाहिए फिट रहने के लिए? 10 से 15 ग्राम तो हमें मिनिमम लेना चाहिए। कभी कभी हम पेशेंट को भी ऑयली बेस्ड मेडिसिन देते हैं तो हम 10 से 15 ग्राम तो उसको मिनिमम देते हैं कि फिर 10 से 15 ग्राम उसको मेडिसिन के बेस पे लेना चाहिए। तो हर रोज रूटीन खाने में हमें मिनिमम 10 से 15 ग्राम तो हमारे बॉडी में ऑयल जाना चाहिए। ऑयल या घी, घी दोनों सेम ही है, प्रकृति के हिसाब से लेना ही, दोनों ऑयल के कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो उसको ये लुब्रिकेंट के रूप में हमें हर रोज 10 से 15 ग्राम तो ऑयल लेना ही चाहिए। तो जो जिम ट्रेनर है वो उस वेट गेन, जो वेट कम करने के लिए मेनली वो खास करके ऑयल का मना करते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही कंट्रोल में खाते हो ऑयल तो उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें डेली लाइफ में, मैंने बोला कि उसकी तो जरूरत है ही, आज नहीं तो कल जो आप ऑयल छोड़ोगे तो आपको नुकसान होने ही वाला है। पहले हमारी एलोपैथी साइंस का ही बोलती है कि भाई उस लोगों ने पहले रिसर्च किया था कि भाई ऑयल ही हमारे बॉडी के लिए नुकसान करता है, घी भी हमारे बॉडी के लिए नुकसान करता है, लेकिन आज वो ही लोग बोल रहे हैं कि इतना परसेंट ऑयल हमें हर रोज खाना चाहिए हमारे डेली रूटीन में। जिम और डाइटिशियन में वो भी बोल रही है अगर आपकी बॉडी में एक्सेसिव है, आप एक्सेसिव ऑयल ले रहे हो तो ही वो स्टॉप करेंगे, बाकी वो अदरवाइज उसको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि तो खाना पचाने के लिए, बॉडी को एक्टिव रखने के लिए भी हमें ये स्नेह द्रव्य ऑयल ही चाहिए ही चाहिए।